friends, I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs, and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much. Friends, welcome back to my channel. हज़ारों दुआओं, मोहब्बत और चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आपको आज का एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों दिन खुशियों भरे और पुरसकून रातें नसीब करें और आप सबको सेहत के साथ रखें, जहाँ भी रखें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सो फाइनली मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी रूटीन में वापस आ सकूं। जैसा कि पिछले कुछ अरसे से आप लोगों को पता है हम किस ट्रेजडी से गुजरे हैं, और उसके बाद जो यूट्यूब की तरफ आना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, और कुछ रूटीन भी इस तरह की है कि बड़ा मुश्किल सा लग रहा था वापस आना, और समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कैसे आया जाए और क्या बात की जाए, और वीडियोस को रिकॉर्ड करना तो बिल्कुल ही भूल गए थे। खैर, आज जो मैं आप लोग से शेयर करने लगी हूँ अपना नाश्ते की रूटीन, और उसके बाद कुछ जो चंद दिन के कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मेरे बेडरूम में स्टोव दिखाई दे रहा ना, तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही यूनिक मैं आप लोग को आज दिखाने जा रही हूँ। पीक साहब ने उठा के स्टोव को रूम में रख दिया, और अभी जो है वो मैं, जैसा कि हमारा जो किचन है वो बेडरूम में है, बेडरूम को ही हमने किचन भी बनाया हुआ है, तो अभी जो है मैं वहाँ से रोटी बेलकर यहाँ लेकर आती हूँ, फिर यहाँ पे पका के फिर वहाँ से, बड़ी मेरी भी जो एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन इट्स ओके, मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं, इसी बहाने जो वो हम मोटे नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए ना, इतना अच्छे से मैं रोटी बेल के लेकर आती हूँ, और तवा ख़राब होने की वजह से ना मेरा पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थी, हीटर हम लोगों ने भी लिया नहीं था, तो उसने नदीक ने जो चूल्हा है वो उठा के रूम में रख दिया, तो तब से यहीं पे रखा हुआ है। मैं कुकिंग भी यहीं पर लाके करती हूँ। सो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मतलब सुबह सुबह 9:30-10 बजे का टाइम होगा, क्योंकि अदीक ने जो वो भी जाना था शॉप पे, तो ये उठे कि तुम जल्दी से नाश्ता बना लो और मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो अंडा वगैरह, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हो रहा है, तो अंडा भी नहीं खाना था, और कुछ घर पे मतलब सालन नहीं रखा था कल का। सो मैंने सोचा कि मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। मैंने जल्दी से सुबह को उठकर तो आलू जल्दी से बॉईल करके अच्छे सा मसाला बनाया, और मैं जब आलू के पराठे बनाया थी के लिए और अपने लिए भी बना लिया, और साथ में ये देखने सुबह सुबह नाश्ते में जो वो ये माल्टे काट लिए। भला माल्टे नाश्ते में कौन खाता है, ये खाते हैं ना इसलिए।
और आपको पता है ये जो तवा है ना मेरे पास, ये इसमें कुछ मसला है, पता नहीं क्यों इस पर रोटी नहीं सही बनती, टूट जाती है। मैंने पराठे अपनी तरफ से इतने अच्छे बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको तवे पे डालती थी तो फ्लिप करने के बाद वो टूट जाता था, अजीब सा पता नहीं क्या। फिर मैंने अधिक से कहा आप आते हुए ना, नेक्स्ट डे मैंने उनको बोला कि आते हुए ना आप नॉन स्टिक तवा लेकर आइएगा, फिर मैं आपको अच्छे अच्छे पराठे बना के खिलाऊंगी। तो फिर नेक्स्ट डे बड़ी हैरानगी की बात है कि मेरे सिर्फ एक दफ़ा कहने पर जो वो मेरी चीज़ घर पे आ गई, अदरवाइज़ तो आपको पता है हस्बैंड्स को बार बार कहना पड़ता है, उनको याद ही नहीं रहता। सो अब मैंने जो वो नॉन स्टिक ले लिया, उसमें बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। जैसा कि ये पता है ना आप लोगों को, पाकिस्तान में सर्दी की कितनी शदीद लहर है ना, मतलब अब तो कुछ फिर भी कम हो गई है, ये कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं, और आपको पता है इतनी शदीद लहर है ठंड की कि बस आपका दिल नहीं चाहता कि आप या तो हीटर के पास से उठें या फिर गर्म कमरे से बाहर निकले। सो हम लोगों ने आजकल यही सीन किया हुआ है, रूम में रखा हुआ है चूल्हा उसी से रूम का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है, वहीं पे बेड पे बैठ के नाश्ता किया, और अजीब से रूल्स बनाए हुए हैं आजकल। आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि लोगों को काफ़ी बुरा लगता है कि आप बेड पे क्यों खाना खाते हैं, और शायद मैनर्स के थोड़ा ख़िलाफ़ भी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ना मैं बेडशीट को गंदा होने दूँ, या अगर कभी कुछ गंदी हो जाती है तो उसको फ़ौरन चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ से काफ़ी इरिटेट होती हूँ, मतलब कि ख़ास तौर पे आप सफाई का ख्याल रखें। सो खैर आजकल जो वो यहीं पे नाश्ता बनाया, वहीं से बेड पे इनको सर्व किया, ख़ुद भी खाया, और यहीं से बर्तन उठा के किचन में ले गई, फिर वहाँ पे मैं उनको वॉश करके तो किचन को क्लीन कर देती हूँ, और फिर यहाँ पर जो ज़ाहिर आपको पता है खाना बनाते हुए स्टोव के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ गिरता है, फिर उसको भी क्लीन करना होता है क्योंकि रूम में रखा हुआ है, तो इसको हर वक्त नीट और क्लीन रखना ज़रूरी होता है। खैर ये देखिए पराठे कितने ख़राब हो गए, अदरवाइज़ मैंने कहा था कि मेरी कुकिंग इतनी बुरी नहीं थी जितनी ये इस तवे की वजह से हो गई है। खैर ये हम नाश्ता अतीक ने ऑलमोस्ट कर लिया है और ये जाने के लिए रेडी हैं, और मैं भी नाश्ता कर रही थी, सो दैट्स इट। मोहम्मद इस्माइल इस्माइल और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ननंद है, उनका बेबी है ये, और ही इज़ सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह, और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है ना, तो बच्चे तो ऐसे फूलों की जैसे होते हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं बाबा के घर पे आई थी और मैंने बनाया था यहाँ पे आकर मटन पुलाव, मेरा पूरा ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो थोड़ी सी देर के लिए आई थी, मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो पुरानी याद को ताज़ा कर दिया, और यहाँ पर मैंने नादिया को डाल के दिया, जैसा कि मैं पहले भी नादिया के साथ बैठ कर खाती थी ना, तो आज मुझे कुछ ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने पहले खा लिया, और अभी जो है वो नादिया खा रही है, तो मैंने कहा नादिया ज़रा व्यूज़ तो दोगे कैसे बने, थोड़ा पुराना टच अपनी वीडियोस को। और मिलिए आज मेरे प्यारे से मिट्टू के साथ, तो भाई ने इसको जब वो अपने पास बिठाया हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था ना देखें तो, है ना कितना क्यूट था मिट्टू।